हेलो दोस्तों, वेलकम टू शोमैन टोस्ट। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पॉपअप टोस्टर के बारे में। दोस्तों आप पॉपअप टोस्टर अगर खरीदने वाले हैं या आपके घर में पॉपअप टोस्टर अगर है भी, तो आज हम देखेंगे कैसे आप उसको बहुत आसानी से और इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त को ऐसा लगता है कि जैसे गैस में टोस्ट होता है वैसे पॉपअप टोस्टर में टोस्ट होता नहीं है। इसका टेस्ट गैस में जैसे टोस्ट करने वाला टोस्टर होता है वैसा टेस्ट नहीं होता है। तो आज हम दिखाएंगे कैसे आप एकदम जैसे गैस में टोस्ट होता है ठीक वैसे ही अपने ब्रेड को टोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कैसे आप पॉपअप टोस्टर में टोस्ट कर सकते हैं, वो भी एकदम गैस जैसा। तो ये है एक ऑटोमेटिक पॉपअप टोस्टर, ये ओरिवा ब्रांड का है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड आते हैं। तो ऑटोमेटिक जो पॉपअप टोस्टर होते हैं उसमें आपका एक देखिए ये रेगुलेटर होता है, ये एक फ्रोजन बटन रहता है, ये एक रीहीट बटन रहता है और एक कैंसिल बटन रहता है। तो हम दिखाते हैं कैसे आप टोस्ट कीजिएगा। दोनों साइड में दो ब्रेड दे दीजिए। अब इस पॉइंटर को जब आप पहले कीजिएगा तो जो प्लास्टिक वाला पॉपअप टोस्टर है उसमें आप 3 नंबर पे सेट कर दीजिए और इसको डाउन कर दीजिए स्लाइडर को। देखिए दोस्तों टोस्ट होता रहेगा। अगर आप मेटल वाला फिलिप्स वाला ब्रांड यूज कर रहे हैं तो 2 नंबर पे सेट कीजिएगा, क्योंकि जो मेटल वाला ब्रांड होता है उसमें टोस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप 3 नंबर पे सेट कीजिएगा तो टोस्ट चलने का चांस रहता है। दोस्तों अगर आपका टोस्टर ठीक से काम कर रहा है तो स्लाइडर नीचे उतरेगा और अटक जाएगा। अगर आपका टोस्टर ठीक से करंट नहीं मिल रहा है या ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये नीचे अटकेगा नहीं, ये फिर से ऊपर चला आएगा। दोस्तों ऑटोमेटिक जो पॉपअप टोस्टर होते हैं उसमें आपको स्लाइडर को मैनुअली ऊपर करने का ज़रूरत नहीं होता है। जैसे आप वहाँ नंबर सेट कीजिएगा उस नंबर के हिसाब से वो ऊपर चला आएगा। तो अगर आपको ब्रेड ज़्यादा कड़ा चाहिए यानी लाल चाहिए तो 3 में रखिए, अगर आपको ब्रेड थोड़ा हल्का चाहिए यानी सादा टाइप का चाहिए तो 1.5 या 2 पे रखिए। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि टोस्टर में जो ब्रेड होता है वो ठीक से हार्ड नहीं होता है, तो उसको हार्ड कैसे कीजिएगा। जब टोस्ट हो जाएगा उसके बाद टोस्ट को टोस्टर में ही रहने दीजिए। 1-2 मिनट वो टोस्टर में रहेगा तो टोस्टर का जो हीट है उससे वो हार्ड हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा टोस्ट कितना अच्छा निकला है और ये हार्ड भी हुआ है। अब दोस्तों किसी किसी को लगता है कि ये हार्ड ठीक नहीं है और इसको हार्ड करना है ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फिर से स्लाइडर को नीचे उतार दीजिए और रीहीट जो बटन है उसको क्लिक कर दीजिए। दोस्तों याद रखिए रीहीट बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर इसको आप क्लिक नहीं कीजिएगा तो आपका टोस्ट जल जाएगा। दोस्तों यहाँ एक फ्रोजन बोल के बटन दिया हुआ है, अगर आप फ्रीज से टोस्ट निकाल रहे हैं और उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाना चाहते हैं तो स्लाइडर को उतारने के बाद फ्रोजन वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि आपका टोस्ट ज़्यादा हो जा रहा है तो आप कैंसिल बटन पे क्लिक करके भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर हम अभी इसको स्लाइडर को उतारेंगे और हमें ज़रूरत नहीं है कि और हम टोस्ट को ज़्यादा लाल करें तो हम कैंसिल बटन पे क्लिक कर देंगे, देखिए टोस्ट ऊपर आ जाएगा। अब दोस्तों ये तो क्या पहले बार का बात, अगर आप 2 टोस्ट करने के बाद फिर से टोस्ट करते हैं तो इस जो नंबर बटन है इसको 2 नंबर पे कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद वाला टोस्ट अगर आप 3 नंबर बटन पे कीजिएगा तो टोस्ट जल जाएगा। देखिए दोस्तों मैं फिर से इसमें ब्रेड दे रहा हूँ, अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं ब्रेड दे रहा हूँ तो स्लाइडर मेरा 2 नंबर पे रहेगा और इसको नीचे उतार देंगे। दोस्तों इस टाइम में अगर आप चाहे टोस्ट करने के टाइम में तो इसके ऊपर कुछ भी चीज़ को गर्म कर सकते हैं, इसको यहाँ रख दीजिए तो दूसरा वाला टोस्ट गर्म होता रहेगा
या कुछ भी दूसरा चीज आप गर्म करना चाहते हैं तो इसमें गर्म हो जाएगा। अगर आप रोटी को भी गर्म करना चाहते हैं तो इसके अंदर भी दे सकते हैं या इसके ऊपर भी रख सकते हैं, रोटी या और भी कुछ। टोस्टर में जो टोस्ट होता है उसको अगर आप ज़्यादा सादा रखिएगा तो वो कच्चा रह जाएगा, तो पॉपअप टोस्टर का जो टोस्ट है उसको थोड़े देर तक आपको जलाना पड़ता है तो उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा। हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। We'll be right back.